कोई दूध जलेबी खा लीजिए, ठंडी में बड़ी अच्छी लगती है। संतोष, अरे अरे के कर रहा हो, पोचा मार रही है, दिख नहीं रहा आपने? तो पैर सर पर लेके चलू के? ये मारा राम थी। संतोष संतोष, वो मूंग की दाल पीस रही है ना तू? क्यों? तो उसमें हलवे में जरा मीठा डालना, फीका फीका लागे मने। किसने कहा थारे से कि मैं मूंग की दाल का हलवा बना रही हूँ? मैं तो जो घोड़ा खावे ना चना, चने की दाल पीस रही। तो फिर वो पकौड़े बनाओगी ना? संध्या जी, कल के बाद से तो उसकी चिंता और बढ़ गई है। एक बात कहूं, जब मैं छोटी थी तो मेरा भी ना पढ़ने में ना किसी और चीज में ध्यान लगता था, बस अपनी मस्ती, अपनी जिद और अपने ही फंडे, और मैं भी बहुत गुस्सा करती थी। मेरी मम्मी खासकर मेरे गुस्से से बहुत परेशान हो जाती थी। तब मेरे पापा उन्हें समझाते थे कि बचपन एक बेल की तरह होता है जो हमेशा सहारे ढूंढता आगे बढ़ने के लिए, और एक दिन सही समय आने पर यही बेल फल भी देती है। ऐसे ही सही समय आने पर मैं भी अपना लक्ष्य ढूंढ लूंगी और बाकी सब पीछे छूट जाएगा। और पता है आपको, एक दिन मेरे जीवन में भी वो सही वक्त आया जब गुस्से में मैंने किसी पर इंक फेंक दी थी। फिर तो आपको डांट पड़ी होगी ना? नहीं, डांटा होता तो शायद आज मैं ये संध्या नहीं होती, मेरी सोच शायद अलग ही होती। मीना बीनड़ी जी, बाबू ब्याह में लेने देने की साड़ियां तो कद लिया कर देगी। अगर थारी दुकान की साड़ियां घनी महंगी होगी है ना, तो फिर मैं बाजार से जाकर खरीद कर लिया। प्रयो कबूतरी, मार खाइए क्या? हाँ, तूने अभी तक भाभो को साड़ियाँ नहीं दी। एक बात को हजार बार क्यों बोलना पड़ता है तुझे? नहीं नहीं भाभो, निकाल तो दी है मैंने, बस कपड़े धोके जाने ही वाली थी। रे, अगर अलग रखी है तो किसी को भेजकर मंगवा क्यों नहीं देती? नहीं नहीं भाभो, वो क्या है ना, नजरों नजरों में तो मैंने निकाल रखी है, बस हाथों से निकालना बाकी है। कपड़े धोके अभी ले आती हूँ। बाबू, ये ब्याह में लेके जाने के लिए मिठाई के डिब्बे, ये काम बहुत अच्छा किया सूरज तूने। थारे हाथ की बनी मिठाई सारे रिश्तेदारों को बड़ी अच्छी लगती है। सूरज, जी बाबू, 2 दिन के लिए जा रही हूं मैं, तो सोचा मैंने कि घर में जितने काम अधूरे पड़े हैं उसे पूरा कर लूं। पंद्रह दिन दिए थे थारी बेनी,